गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय YouTube चैनल व्हाट यू डूइंग गाइस। प्रीवियस लास्ट वीडियो में आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइस। लास्ट वीडियो की बात करूं तो हमने जाना सिंगल कैंडस्टिक पैटर्न क्या है, डबल कैंडस्टिक पैटर्न क्या है, ट्रिपल कैंडस्टिक पैटर्न क्या है, और ये तीनों क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और फाइनली हमने इन तीनों के साथ एक अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में जाना, जिसको वॉच करके आप सभी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। उससे प्रीवियस वीडियो में ओटीसी वर्सेस रियल मार्केट के बारे में जाना, आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिलहाल आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस पैरेलल ट्रेडिंग के बारे में। पैरेलल ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और किस तरह से हम इसको फॉलो करके मार्केट चार्ट्स पर अप्लाई करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लॉस को इग्नोर कर सकते हैं गाइस। तो फाइनली बहुत अच्छा टॉपिक आप सभी के लिए कुछ ना कुछ सिखा करके जाने वाला है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगर आप सभी स्टडी सीखना चाहते हैं, इस स्टडी से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके, सो गाइस वीडियो शुरू करूं और पैरेलल ट्रेडिंग के बारे में बताऊं, उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूं, अगर आप सभी ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल मॉर्निंग ट्रेडिंग को ज्वाइन नहीं किया हुआ है गाइस, तो फटाफट से अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, बस लिंक पर जाइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां आप सभी को 100% एक्यूरेसी वाले सिग्नल्स मिलते रहते हैं। मैं खुद आपको प्रोवाइड करती हूं सिग्नल्स, जिनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लॉस की रिकवरी कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप सभी ने क्यूटैक्स पर अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ है अभी तक, तो गाइस वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बस लिंक पर जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, जीमेल पासवर्ड से जैसे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपना आधार से वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेंगे, देन डिपॉजिट कंप्लीट करते ही आपको वहां एंट्री मिल जाएगी प्रीमियम रिलायबल वीआईपी ऑफ मॉर्निंग ट्रेडिंग में, जहां आप सभी वहां पर भी इसी तरह से अच्छे सिग्नल्स को फॉलो करके, पब्लिक ग्रुप एंड वीआईपी दोनों के सिग्नल्स को फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लॉस की रिकवरी कर सकते हैं। ओके, सो जॉइन राइट नाउ गाइस। तो पैरेलल ट्रेडिंग की बात करूं तो पैरेलल ट्रेडिंग क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको शो हो रहा होगा 16,99,639 रुपीस का बैलेंस। क्यूटेक्स का लाइव अकाउंट है। मैंने यहाँ पर गाइज दो लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, यू कैन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आप सब जानते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं बेसिक नॉलेज है गाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या है सब ने जान करके रखा हुआ होगा, फिर भी आप सभी को बता दूं, मार्केट में जो हम ऊपर का अपोर्ट का लेवल मैच करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, या कोई भी ऐसा पैटर्न कर्व वगैरह कुछ भी ड्रॉ करते हैं, वो ऊपर वाला जो गाइज जिन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, नीचे के जिन पॉइंट्स को मार्केट्स के बेसिस को मिलाते हुए हम लाइन अगर कोई भी ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया हुआ है, उसी के बेसिस पर मैंने गाइज मैंने मैकबुक के चार्ट पर जो मैंने भी करेंसी पेयर ओपन करके रखा हुआ है जीबीपी जेपीवाई 86% प्रॉफिट रिटर्न गाइज, यहाँ पर मैंने दो लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। एक लाइन जो रेड वाली है, ये मैंने केवल गाइज एक ये पॉइंट दूसरा ये पॉइंट दोनों के केवल रेड पॉइंट को मिलाया हुआ है, सब रेजिस्टेंस वन पॉइंट रेजिस्टेंस टू पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। सपोर्ट के बेसिस पॉइंट का अगर बात में बात करूं तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस कैंडल का डाउन बेसिक पॉइंट लिया है, दूसरा मैंने यहां इस ग्रीन कैंडल का डाउन पीक पॉइंट लिया है। ठीक है, दोनों को मैच करते हुए मैंने यहां पर ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी है, ये हमारी सपोर्ट की लाइन है, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये आपको लगभग एक पैरेलल लाइन गाइज शो हो रही होगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल की खास बात यह है गाइस, पैरेलल पैटर्न जब मार्केट में ड्रॉ किया जाता है तो आपको गाइस सीडी वाइज ऐसा कुछ मार्केट ऐसा आपको देखने को मिलेगा, मतलब एक टाइमिंग तक आपको ग्रीन अपोर्ट के लिए मार्केट चढ़ता हुआ नजर आएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगेन यहां पर ऐसे गिरता हुआ मार्केट नजर आएगा, अगेन फिर से सीढ़ी बनाते हुए कुछ ऐसा जीने की तरह मार्केट अपोर्ट जाएगा, फिर एकदम से सारी के सारी कैंडल्स रेड बनाते हुए मार्केट गिरेगा, अगेन अपोर्ट जाएगा, अगेन गिरता हुआ गाइस। तो ये जो पैटर्न बनता है हमारा, इसमें खास बात ये होती है कि जब भी हमारा पैरेलल पैटर्न बनता है मार्केट में, तो यहां पर गाइस बीच में कोई भी ग्रीन पैटर्न के बीच कोई भी रेड कैंडल नहीं होगी, या फिर रेड पैटर्न के बीच कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं होगी। अगेन मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देख सकते हैं ग्रीन के बीच कोई रेड कैंडल नहीं होगी, अगेन रेड के बीच हमारी कोई ग्रीन कैंडल नहीं होगी। ये गाइस पैरेलल पैटर्न की पहचान होती है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पैरेलल पैटर्न हमें जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ हमें पैरेलल पैटर्न देखने को मिला है, और यहाँ से मार्केट अभी पैरेलल पैटर्न ना जाकर के थोड़ी देर के लिए अभी साइडवेज चला, देन यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है गाइस। पैरेलल पैटर्न या जितने भी पैटर्न ड्रॉ करते हैं मार्केट में, ये सब ब्रेकआउट के बेसिस पर चलते हैं, तो हमें जब भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिले वहां हमें सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट हमारा अपवर्ड जाने वाला है, या डाउनवर्ड के लिए ब्रेकआउट मिला है तो मार्केट हमारा डाउनवर्ड के लिए जाने वाला है, उसी बेसिस पर हमें ट्रेड लेनी होती है, वहां पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। सो गाइस मैं यहां पर ट्रेड प्राइस करने वाली हूं। अगर फर्स्टली मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ऑलरेडी मैंने जो प्रॉफिट बनाकर रखा हुआ है आप देख सकते हैं 3,406.1 का मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट यहां पर अर्न करके रखा हुआ है। ओके, सो गाइस मैं यहां पर ट्रेड लेने वाली हूं, अपवर्ड की ट्रेड मैंने ली है,
इसी ब्रेकआउट को फॉलो किया है। मुझे लगता है कि मैंने इस ब्रेकआउट को अगर फॉलो करेगा तो मार्केट हमारा डेफिनेटली अपॉर्ट के लिए जाना चाहिए, और फिलहाल देखते हैं। इसीलिए मैंने गाइज अभी केवल एक ट्रेड प्रेस की है, केवल मार्केट का टेस्ट पता करने के लिए, मार्केट इसी ब्रेकआउट पैटर्न को फॉलो करेगा या फिर मार्केट अभी इसी अंदर पैरेलल पैटर्न में जाएगा। दो सिचुएशन हो सकती है गाइज यहाँ पर, अभी मार्केट या तो ब्रेकआउट करते हुए मार्केट बहुत ज्यादा अपॉर्ट जाएगा या फिर अगेन वापस इसी पैरेलल पैटर्न में मार्केट वापस आ जाए। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे भी लगता है कि ब्रेकआउट जो किया हुआ है मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, और मैंने यहाँ पर जो 20,000 रुपीज की ट्रेड ली है वो हमारी फिलहाल अभी क्लियरली विनिंग में चल रही है। यू कैन सी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है 20 सेकंड्स है हमारे पास, और 20 सेकंड्स के बाद हमें गाइस इस ट्रेड का रिजल्ट पता चल जाएगा। सो यू कैन सी मार्केट अभी फुली इसी ब्रेकआउट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिलहाल मार्केट क्योंकि शाम के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मैं भी आपको शाम के लगभग 6:30 बजे 6:30 बजे लगभग 7 बजे वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए। सो यू कैन सी इट्स अ क्लियर आईडिया। मैंने यहाँ पर हमें 3,700 डॉलर का रिटर्न रुपीज़ का रिटर्न मिला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि लास्ट की ट्रेड हिस्ट्री की बात करूँ तो गाइस कंटिन्यू प्रॉफिट 1,000 डॉलर की ट्रेड ली थी प्रॉफिट है, 2,000 रुपीज़ की ट्रेड ली प्रॉफिट है, 70 रुपीज़ की मैंने ट्रेड ली प्रॉफिट है, 20,000 रुपीज़ की ट्रेड ली थी प्रॉफिट थी, देन 20,000 रुपीज़ की अभी मैंने आपके सामने ट्रेड ली है वो भी कंटिन्यू प्रॉफिट है। इस कंटिन्यू प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर गाइस। प्रीवियस लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया हुआ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करता है, कैसे मार्केट में हमें देखने को मिलता है, और वहीं शायद अगर मुझे ही लगता है कि मार्केट अगर ये कैंडल हमारी ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट अगेन हमें अपॉर्ट की बनेगी, देखते हैं फिलहाल। क्योंकि यहाँ पर हमें कंटिन्यू कह सकते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, देन नेक्स्ट कैंडल हमारी अगेन अपॉर्ट की बननी चाहिए। सो मैं यहाँ पर एक ट्रेड और अपॉर्ट की ले रही हूँ। सिंपली मैंने केवल इस पैरेलल पैटर्न के बाद जो ब्रेकआउट देखने को मिला है मैंने केवल उसी को फॉलो किया हुआ है। फिलहाल देखते हैं, वेट करेंगे हम 53 सेकंड्स का वेट करना है, सो 45 सेकंड्स का वेट करना है। मार्केट वोलेटाइल है और फिलहाल तो वेट करेंगे। एक चीज़ जो आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ गाइस, अपना मनी मैनेजमेंट प्लान और रिस्क मैनेजमेंट प्लान अपना खुद लेकर के चलिएगा, क्योंकि आपका कैपिटल आप ही समझ सकते हैं कि आपका मनी मैनेजमेंट प्लान और रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए। क्योंकि मनी मैनेजमेंट प्लान और रिस्क मैनेजमेंट प्लान में आपको फॉर एग्जाम्पल देते हुए ग्रुप में लिख करके भेज सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन आपका कैपिटल कितना है ये हमें नहीं मालूम है। सो ये चीज़ आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फिलहाल ये ट्रेड हमारी अभी लॉस में चल रही है, सो अगेन मैं यहाँ पर डबल अमाउंट की ट्रेड लूँगी गाइज, ओके, ठीक है। यहाँ पर गाइस 40,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर अपॉर्ट के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, सो देख सकते हैं बहुत अच्छी अभी हमारी विनिंग में गई थी लेकिन अभी राइट नाउ लॉस में चल रही है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी जो है मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और पैरेलल पैटर्न को फॉलो करने लगा हुआ है, क्योंकि इसके बीच हमें कहीं भी अभी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली है। सो यू कैन सी मैंने आपको बोला कि पैरेलल पैटर्न इस पैटर्न को फॉलो किया, इसने यहाँ पर अगेन गिरा, अगेन यहाँ पैरेलल पैटर्न, अगेन यहाँ थोड़ी देर के मार्केट डिसबैलेंस हुआ, साइडवेज मार्केट देखने को मिला, अगेन यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा है। फिलहाल मार्केट कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, यू कैन सी मार्केट मतलब कैंडल हमारी कितनी ज़्यादा लॉस में गई थी, फिलहाल अभी इतनी अच्छी विनिंग में आ रही है। 15 सेकंड्स हैं, वेट करेंगे, कुछ नहीं कह सकते, मार्केट वोलेटाइल है तो लास्ट मोमेंट में मार्केट किधर जाएगा, इसलिए वेट करना है। सो यू कैन सी कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट, और 80,000 रुपीज़ हमारे इन्वेस्टेड हैं, सो 3, 2, 1 देन यहाँ पर 80,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। चूंकि हमारी एंट्री टाइम बिल्कुल अच्छा था, एंट्री टाइम की वजह से हमारी ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देखने को मिली है। सो यू कैन सी कंटिन्यू हमारी 40,000 रुपीज़ की जो ट्रेड मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट की हुई थी, सारी की सारी ट्रेड गाइस प्रॉफिट हैं, और ओवरऑल जो मैंने प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया है 4,241 डॉलर का मैंने यहाँ पर बैलेंस आज का अर्न कर लिया है। अगर मैं गाइस आपको विड्रॉ हिस्ट्री दिखाऊँ तो मैं आप यू कैन सी स्क्रीन पर देख सकते हैं विड्रॉ हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। ये कुछ हमारी ऐसी विड्रॉ हिस्ट्री है, इसी पैरेलल पैटर्न को गाइस आप फॉलो कर सकते हैं सीख करके। बस आपको यहाँ पर ऐसा मार्केट ढूंढना है, कंटिन्यू आपको सीढ़ी वाला मार्केट देखने को मिले, अपॉट डाउन अपॉट डाउन अपॉट डाउन, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमें भी अभी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा मार्केट, इसी बाउंड्री में आके इसी लिमिटेशन में आकर के मार्केट इसी पैटर्न को दोबारा वापस से फॉलो करेगा। मार्केट कंटिन्यू बहुत टाइम तक अभी डाउनवर्ड जाने वाला है, डाउन ट्रेंड हमारा रहने वाला है, मार्केट पता चलता है। कुछ देर के लिए यहाँ पर साइडवेज मार्केट चला लेकिन ओवरऑल हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आप सभी को गाइस ये पैटर्न ये स्ट्रेटजी से समझ में आई होगी। पैरेलल ट्रेडिंग किसे कहते हैं, कैसे हम इसको मार्केट में अप्लाई करके आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम ब्रेकआउट्स को फाइंड करके श्योर शॉट गेन कर सकते हैं, ट्रेड से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं, लॉस हुआ पड़ा है तो लॉस भी कवर अप कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी से, ओके। सो होप्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हुआ है, स्ट्रेटजी आपको पसंद आती है, मॉडल ट्रेडिंग के द्वारा बताए हुए हिंट्स पसंद आते हैं, मॉडल ट्रेडिंग के सिंबल को फॉलो करके प्रॉफिट अर्न करते हैं गाइस, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ओके। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।